के जिताबे के बा? पवन चौहान के जिताई जाई। औरी ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर के? अरे जाय दाउ को सजेलो बटोरिया सटोरिया के ना जेते देव कह देले वही के देव दूसरे के देव। पवन चौहान के अलावा दूसरा के ना दे के गोड़ो पर गिर जीते ना देव का गोड़ कैसन होला? हां दो दिन दाना ना खइले हैं। दो दिन दाना ना खइले? अगुर चिनिया दो दिन दाना ना खइले। नमस्कार, इस समय लोकसभा घोसी में है और घोसी की जनता से आज खास बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पे यही जनता से बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या माहौल, क्या चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा दादा? क्या नाम पड़ी? रामलाल चौहान। चुनाव आ गए है, सब लोग चुनाव प्रचार में लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? महावल बाबू जो है तो सामने बात देखता बस। अरविंद राजभर आ गए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, कैसा रहेगा उनका माहौल? देखा आप कैसा, अब तो समय आई तब ने बताई। आप दादा बताए कहाँ बताए चुनाव में के सपोर्ट करो? अरे अब भैया जब आयल इनका छोड़ के दूसरे कहतलन की जाबनी का जीत जाए जी, जनता सब वोट करते है। ठीक है, तब सामने आवत बात भाई, ये बिरादरी हमारे देवही के। समाजवादी पार्टी से भी राजीव राव आयल है, वो कहते हैं कि यहाँ की घोसी की जनता घोसी के लाल को जिताएगी। ठीक है, वो कहे था भाई अब दुनिया तो अपनी जात परिवार में बिरादर में नहीं जाती, तो ये दुनिया का अपनी जात बिरादर में। हाँ अपना सब तो कहाँ जा रहे हम, तो कौन बिरादर में जाए? चौहान बिरादर में, चौहान से तो क्यों प्रत्याशी है नहीं? तब जब ना के बात अब हम हंथा करें अब तो फिर वोटवा तो देवही के पड़ना। तो वोटवा दिहला जाए जब चौहान का प्रत्याशी रहे। चौहान बोल रहा है, पवन चौहान ही ना बोल रहा है, निर्दलीय लड़ रहा है, इनको आप लोग सपोर्ट करें? सब लोग अपना जात बिरादर देख रहे हैं, आप लोग भी वही देख रहे हैं। दादी आप रहनी है बड़ा मुलाकात का बन, का नाम पड़ी के को? आप हमार तो मदिनिया ना है के जिताओ के बाद पवन चौहान की जिताई जाए। और ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर? अरे जाए दाउ को सजेलो बटोरिया सटोरिया के ना जेते कहा तो कि घोसी से जीत जाए जी, कहे दा कहले से ना नहीं जो देखा देखा चली गई ना। अब फागु चौहान? अच्छा फागु चौहान, हां तो आप लोग सपोर्ट कर ले रहनी जा? के हां सपोर्ट कर ले रहनी जा। दो दिन दाना ना खइले हैं? दो दिन दाना ना खइले? अगुर चिनिया दो दिन दाना ना खइले? अच्छा आप पिंसिल से मिल ला? हां पिंसिल मिल ले। अच्छा फागु आपके भूल गए ना? फागु भूल गए उनका जाने। अच्छा राजीव राव आयल बन समाजवादी पार्टी से, ये के देव देव कह देले वही के देव दूसरे के देव। पवन चौहान के अलावा दूसरा के ना दे के गोड़ो पर गिर जीते ना देव का? गोड़ कैसन होला? हां गोड़ कहां रहला? अरे वो चुनाव में सब नेता गोड़े पर गिर चुनाव कोलो तो फिर का पई है। तब देखनी है तो आप इना देनी है पवन चौहान के कुछ, एक नोट एक वोट मांगा था ना? आ सब लोग फ्री में, आ सब पार्टियां वाला तो फ्री में वोट का था ना? आ इनके नोट आ एक वोट मांगा था ना भाई? अपन बिरदरी में बिरदरी हमार बिरदरी के देव ना, अपन लड़का हम दे दिया कर उनका मर्जी करी तो करी है ना, मर्जी करी ना करी है उनका वाली को दे दूसरा के ना दे ना। मतलब यहाँ चौहान समाज कितने संख्या होगा, यहाँ कितने लोग होंगे? अब हमन लिखल पढ़ा थोड़ा ना है कि इतने कमन लेके घूम ले बम्बई को। यहाँ घोसी में चौहान कार से देखा जाए तो ये जनता आज चौहान समाज जो के जीता के जब यहाँ से को दे रहा, जब चल गए उनके दुआरे पर जाए जाता ना तो कौन का ऐली है रे ना चीनत है ना, ये को बोली उनका हमके बहुत खले। अरे तू ओके आदमी बना दिए गलत का करवा, तू चिन्ह बन करवाती है हमारे परिवार बसपा से आ रहे हैं अब ना क्यों लोग ना पाए क्यों ना उठ पाए? मतलब चौहान समाज के लोग अब पवन चौहान के दिए लोग, मतलब चौहान समाज कर दिए हैं दूसरा पे ना दिए हैं। यहाँ एक बड़ा सा खुलासा देखने को मिल रहा है, चौहान समाज में जो वोटर की बात किया जाए, जो चौहान समाज समाजवादी पार्टी को जहाँ बीजेपी पार्टी को वोट किया करते थे, आज चौहान समाज से निर्दल प्रत्याशी पवन जो है चौहान को जो है सब लोग सपोर्ट में खड़े हैं।